वेलकम टू आवर डिजिटल्स क्लास। डिजिटल क्लास में आप सभी को स्वागत है। आज हम इतिहास विषय से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात करेंगे जो किसी भी कंपिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। लिखा हुआ है, भारतीय कांग्रेस पार्टी का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? आंसर होगा बदरुद्दीन तेज बद्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कांग्रेस पार्टी का प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? आंसर होगा सरोजिनी नायडू। गांधी जी द्वारा एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कब और कहाँ हुई थी? आंसर है 1924 को हुई थी बेलगांव में। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है जेबी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कांग्रेस पार्टी के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? आंसर होगा जॉर्ज उल। भारतीय कांग्रेस पार्टी के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? आंसर होगा एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कांग्रेस पार्टी का प्रथम बार गांव में अधिवेशन कब और कहां हुआ था? आंसर है 1937 में फेजपुर में हुआ था। भारतीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? आंसर होगा 1885 में। भारतीय कांग्रेस पार्टी का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आंसर है ब्योमेश चंद्र बनर्जी। आई होप यह जीके का क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और यदि चैनल में नहीं है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स।